सीधा लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। एग्जिस्ट फॉर हिंदू एंडोमेंट और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC-SWB, but he cannot dedicate WAF. Arbitrary, why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered WAF properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle of rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matavalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is again separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to look in, sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our okay. Section 30 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments and the government is, sir, khatam kar, government bol rahi hai. Sir, main khatam kar raha hu, sir, aadha minute. Government keh rahe hai ki hum mahilaon ko de rahe hai. Mujhe yakin hai ki aap Bilqis Bano ko aur Zakia Jafri ko member banayenge. Mujhe yakin hai. Main aap se janna chah raha hu, sir, ke ye jo aap bill la rahe hai, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। माननीय, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ हैं और संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्दबुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर यह शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे, जिस आदमी ने वक्त की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्त की के आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फला के काम किए जा सकते हैं, उन फलाई कामों के लिए उन फलाई कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी दो मिनट दे दीजिए। श्री जीएम बाल योगी, श्री जीएम हरीश बाल योगी। थैंक यू स्पीकर सर। एक मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ, एक सेकंड के अंदर। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812-7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की, धारा 40 के प्रावधानों की जांच की, अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है।
आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो, मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ फर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएम हरीश बाल योगी। थैंक यू स्पीकर साहब, वी अप्रिशिएट ऑफ द कंसर्न।